हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ डॉक्टर संजय सिंह। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक होम्योपैथिक मेडिसिन डॉलीकोस प्यूरेंस के बारे में। बहुत ही यूजफुल दवा होती है, ज़्यादातर ये हमारे स्किन पर यानी त्वचा पर और हमारे लीवर पे बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा हमारे थ्रोट, हमारे गम्स और हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम पर भी इसका अच्छा असर देखने को मिलता है। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि कौन कौन से लक्षण मिलने पर आप इस दवा को यूज कर सकते हैं, कितनी पावर में ले सकते हैं, कितना रिपीट कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होते हैं। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं डॉलीकोस के बारे में। ये दवा जो होती है मिकोना प्रूरियंस नाम के प्लांट से बनती है, प्लांट किंगडम की दवा है। इसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी होती है और इसको काउहेज या फिर मंकी टैमरिन भी बोला जाता है। ये दवा जो है, इसका जो प्लांट होता है, इसके अगर आप टच में आ जाते हैं तो इससे आपको इचिंग प्रोड्यूस होती है। होम्योपैथी में जब ये दवा पोटेंटाइज करके बनाई गई तो ये इचिंग की प्रॉब्लम्स में, स्पेशली स्किन में जो इचिंग होती है और वो भी बिना इरप्शन के, उसमें बहुत ही ज़्यादा यूजफुल देखने को मिली है। स्किन प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें कि और कौन कौन सी स्किन प्रॉब्लम्स में इसको यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहला इंडिकेशन तो यही है कि अगर आपको स्किन में इचिंग रहती है, प्रूराइटिस की प्रॉब्लम है, खुजली होती है बिना किसी इरप्शन के, स्पेशली अगर आपको कोई इरप्शन नहीं, कोई दाने नहीं, कोई छाले नहीं, कुछ भी नहीं निकला हुआ है और आपको खुजली बहुत ज़्यादा होती है, तो उस केस में ये बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट दवा होती है। अगर आपको सेनाइल प्रूराइटिस की प्रॉब्लम है, यानी जो एल्डरली लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनमें इचिंग की प्रॉब्लम होती है, कोई इरप्शन, कोई दाने नहीं दिखाई देंगे, लोग मानने को तैयार नहीं होंगे कि आपको इचिंग हो रही है, उस केस में भी दवा बहुत अच्छे से काम आती है। इसके अलावा अगर आपको लीवर प्रॉब्लम की वजह से, लीवर में सूजन है, पीलिया है, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से अगर आपकी बॉडी में इचिंग हो रही है तो उसमें भी दवा बहुत अच्छे से काम आती है। साथ ही साथ हर्पीस जोस्टर के केसेस में भी दवा बहुत अच्छे से काम आती है। तो स्किन प्रॉब्लम जो होती है इसकी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं और इचिंग की प्रॉब्लम जो है, अगर आपको बिना किसी इरप्शन के, बिना किसी दाने के हो रही है, इसमें आप इसको बहुत ही इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। इचिंग जो होती है स्पेशली आपके शोल्डर पे, नी पे और आपके एल्बो पर होती है, हेयरी पार्ट्स में ज़्यादातर होती है, तो उसमें अच्छा काम करती है। इसके अलावा इचिंग जो होती है रात के टाइम ज़्यादा बढ़ती है, रात में खुजली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्क्रैच अगर आप करते हैं उससे आपको और ज़्यादा खुजली होने लग जाती है। थोड़ा बहुत आपको आराम मिलता है अगर आप ठंडा पानी अप्लाई करते हैं, तो अदरवाइज़ आपको जल्दी से आराम नहीं आ रहा होता किसी चीज़ से। इसके अलावा खुजली के साथ साथ अगर आपको, जब आप लेटने जाते हैं बेड में, जब गर्मी होती है उसके बाद आपको बर्निंग सी फील होती है, तो उसमें भी दवा अच्छे से काम आती है। तो ये हो गई स्किन प्रॉब्लम की बात। स्किन प्रॉब्लम हो या लीवर प्रॉब्लम हो, ये दवा जो है राइट साइडेड है। अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादातर राइट साइडेड रहती है, कोई भी दिक्कत जो है राइट साइडेड है, ये बहुत अच्छे से काम आती है। लीवर प्रॉब्लम्स में अगर हम बात करें तो लीवर में अगर आपको जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, लीवर में सूजन है, हेपेटाइटिस है, इसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपका पेट फूला रहता है, आपको कब्ज रहती है, मोशन जो आता है, स्टूल जो आता है ज़्यादातर वाइट कलर का रहता है, स्किन में इचिंग होती है, स्किन पर आपके येलो येलो स्पॉट्स आते जा रहे हैं, आपको पीलिया दिखाई देने लगता है स्किन पर, उसमें दवा अच्छे से काम आती है। इसके अलावा ये दवा वहाँ पे काम आती है जहाँ पे आपको पाइल्स हो, बवासीर की प्रॉब्लम हो, बर्निंग होती हो उसमें, या फिर आपको वॉर्म्स की प्रॉब्लम हो, इन सारी प्रॉब्लम के साथ आपको कीड़ों की भी प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी दवा अच्छे से काम आती है। साथ ही साथ डॉलीकोस उन केसेस में काम करती है जहाँ पे आपको पेट दर्द होता है, जब भी आपका पैर जो है बहुत देर तक भीगा रहे, बहुत देर तक आप पानी में रहें, उसके बाद आपको पेट दर्द स्टार्ट हो जाए, तो उसमें भी दवा अच्छे से काम आती है। अब अगर बात करें इसके थ्रोट के सिम्टम्स की, गम्स के सिम्टम्स की, तो अगर आपको थ्रोट में पेन रहता है, स्वॉलो करने में दिक्कतें आती हैं, स्पेशली पेन जो आपका होता है राइट साइडेड में होता है, राइट साइडेड पेन है, आपको स्वॉलोइंग में दिक्कत आ रही है, तो उसमें अच्छा काम करती है। आपको दांत दर्द की प्रॉब्लम है, आपको जो दांत है वो सड़ गया है, डिके हो गया है,
उसके बाद आपको दांत में और आपके मसूड़ों में, गम्स में दर्द रहता है, इतना दर्द रहता है कि आपको नींद भी नहीं आती, तो उसमें अच्छा काम करती है। टीदिंग जो बच्चे होते हैं, जिनके बच्चों के दांत आ रहे होते हैं, उनको गम्स में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, हमेशा वो चाहते हैं कि कोई उनके गम्स को रब करे, ऐसे में बच्चों को आप ये दे सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है। तो फ्रेंड बहुत छोटी सी मेडिसिन है, कुछ ही पार्ट्स पे काम करती है, लेकिन बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट देकर जाती है। स्पेशली जो आपको इचिंग की प्रॉब्लम होती है, उसमें ये सल्फर से भी अच्छा काम करती है। कि ज़्यादातर जनरली क्या होता है कि इचिंग की प्रॉब्लम होती है तो मोस्टली लोग सल्फर लेते हैं, लेकिन ये दवा जो होती है, अगर आपको कोई इरप्शन नहीं है, कोई दाने, कोई छाले नहीं है, और पूरी बॉडी में या फिर कहीं भी आपको खुजली होती रहती है, तो उसमें बहुत ही एक्सलेंट काम करती है। अगर हम इसके डोजेस की बात करें तो इसको ज़्यादातर लोअर पोटेंसीज़ में लिया जाता है, 30 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको आराम मिले, सिम्टम जैसे करिस्पॉन्ड करें, आप 200 भी ले सकते हैं। तो बहुत ही एक्सलेंट दवा होती है, दिन में आप अपनी कंडीशन के हिसाब से 2 से 3 बार ले सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन अगर आपको कोई एलर्जी है, किसी भी तरह की और प्रॉब्लम है, आप ज़रूर डॉक्टर से बात करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स आज के वीडियो में डॉलीकोज के बारे में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।